मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, तुम्हारी बहन किस मकसद के लिए आई थी? किस मकसद के लिए? मुबारकबाद देने आई थी, शिकवा करने आई थी, और क्या। मेरा ख्याल है कि इस सूरत हाल में वो तुम्हें तो क्या, तुम्हारे भाई को भी छोड़ देंगे। हरगिज नहीं, आपा ने तो उस वक्त हमें नहीं छोड़ा जब अब्बा ने आपा को छोड़ दिया और सारे खानदान ने अब्बा का साथ दिया। उस वक्त भी आपा ने हमसे ताल्लुक जोड़े रखा और फिर अब्बा और अम्मी के मरने के बाद आपा ने भाईजान के साथ भी ताल्लुक बना लिया। हारिस, अगर आपा की जिंदगी है तो हम भाई बहन में भी आपा की जान है। आपा तो उफक के लिए भी परेशान रहती हैं। खुदा करे ऐसे, मेरी तो दुआ है उनके लिए कि उनका दिल हमारे लिए साफ हो जाए। आमीन। हर बात मेरी सोच की उलट क्यों हो रही है? पहले ऐना के लिए इनकार और अब अनशरा का सोचा तो उसे भी हंसने हमले हो रहा। ये दोनों बहन भाई मिलकर क्या कर रहे हैं मेरे साथ? कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं ये बस? कौन सी? अम्मी इस वक्त बाहर? अम्मी, अम्मी क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक है? मैं डॉक्टर साजिद को कॉल करता हूँ। हरगिज नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो अम्मी ये क्या है, आप रो रही हैं और इस वक्त यहाँ? कुछ उलझ गया था बेटा, उलझ गया था कुछ, अब सब कुछ सुलझ गया कुछ। आपने अपनी रात की मेडिसिन लिया? अभी लूंगी ना। अम्मी क्या करती हैं? मेडिसिन ना बोला करें। नहीं, नहीं, मैं परेशान हुई हूँ ये सुनकर कि सारी रात मुझे नींद नहीं आई। कमाल कर दिया उसने, सगा भाई होकर उसने कुल्हाड़ी मारी तुम्हारे पैर के ऊपर। बड़ी बेटी को छोड़कर तुम्हारी छोटी बेटी का रिश्ता मांग, और तुमने भी कमाल कर दिया, तुमने भी कबूल कर लिया। सोचा तुमने कि तुमने कितना बड़ा नुकसान किया अपना? क्या होगा अब तुम्हारी लड़की का? उफक कौन करेगा उससे शादी? आपा सच पूछे तो कसूर उफक का ही है ना। वो किसी से मिलती मिलाती है ना, किसी के सामने जाती है, फिर भला कोई उसे बहू बनाने के बारे में कैसे सोचे? ऐसे बुरा मत मनाना हमारा, ये बातें गैर सोचते हैं, अपने नहीं। अपने बच्चों को क्या देखना, क्या परखना, और तुमने यह छोटी का रिश्ता मानकर उफक की किस्मत जो है ना उसके ऊपर तुमने पत्थर रख दिया। आपा भाई था मेरा, उसे भला मैं कैसे जवाब दे सकती थी? वैसे जिस कदर जल्द मुमकिन हो उफक का रिश्ता तय कर दो, वरना मैं तुम्हें बता रही हूँ तुम बहुत पछताओगी, बहुत पछताओगी। उस बेचारी की किस्मत का तुमने हशर कर दिया है, लेकिन अब उसका जल्दी से जल्दी रिश्ता करो। अरे आपा, क्या करूं मैं इस लड़की का, कहां कर दूं इसका रिश्ता? अगर मेरे बस में होता तो अब तक इसे मैंने घर बिठाया हुआ होता। एक बात कहूं मैं, हारिस हीरा है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इसकी कदर हसनैन नहीं होगी। मैं चाहती हूँ हारिस का रिश्ता उफक से तय हो। आपा,
पापा ये क्या कह रही हैं आप? कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं की इस पर तुम इतना चौंक रही हो? पापा ये अनहोनी बात ही तो है, कहां आपका इतना लायक फायक बेटा हारिस और कहां मेरी उफक जैसी बेवकूफ और जज्बाती लड़की। मैं ये सब कुछ नहीं जानती, मैं ये जानती हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुम मेरी बहन, और उफक की तरफ मेरी जिम्मेदारी भी कुछ नहीं करती, ना मैं तुम्हें दुखी देख सकती हूँ और ना तुम्हारी औलाद को। पापा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। सोच लो, हैदर से मशवरा कर लो, जब मुनासिब समझो मुझे जवाब दे देना। हसनैन तुम्हारी परेशानी से या तुम्हारे किसी भी दुख से लातालुक रह सकता है, मैं नहीं। रोना नहीं है, बस खुश हो जाओ। अब मैं हार नहीं मानूंगी, अब के इन्हें मुझसे जुड़ना होगा और एक दूसरे से टूटना होगा। वैसे कमाल है मामा, आपने क्या सोच कर ये फैसला कर लिया और हमसे मशवरा भी नहीं किया। आपको अंदाजा है ना कि उफक साइको केस है। कहां मेरा भाई हारिस और कहां वो उफक? वैसे वाकई मामा मुझको समझ में नहीं आता है आखिर ऐसा क्या देख लिया आपने उफक में। ना उस लड़की का अखलाक अच्छा, ना वो किसी से बात करती है और ना किसी से वो सलाम दुआ लेती है। फॉर गॉड सेक मामा, उससे लाख गुना अच्छी अंशरा है। मेरे ख्याल में हारिस से आप दोनों से ज्यादा मैं मोहब्बत करती हूँ, है ना? और मैं कोई चीज ऐसी नहीं सोच सकती जो हारिस के लिए गलत हो, ठीक है ना? लिहाजा आज के बाद आप दोनों ने अगर उफक के बारे में कुछ भी गलत कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है मामा, देख लेंगे हम भी कितना खुश रख सकती है उफक आपको और हारिस भाई को। से हाथ करती है मामा, कहां मेरे हीरे जैसा भाई हारिस और कहां वो खोटा सिक्का। कभी कभी खोटा सिक्का जो होता है ना बेटा, वो बड़े काम का निकलता है। हमारा ये तुम क्या कह रही हो? पापा हारिस का रिश्ता लेकर आई थी? हाँ, मुझे तो खुद यकीन नहीं आ रहा और मैं तो हैरान हूँ कुदरत के इस फैसले पर कि खानदान का सबसे ज्यादा लायक फायक आला तालीम याफ्ता लड़का हमारी पत्थर दिमाग लड़की का हम सफर बनने जा रहा है। अच्छा ये बताओ, तुमने उफक से बात की? नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं उफक से बात करने की, आखिर कब तक उसे मैं घर में बिठाए रहूँ। और वैसे भी अगर आपा ने इतना बड़ा कदम उठाया है ना तो कुछ सोच समझ कर ही उठाया होगा ना, क्योंकि आपा तो उफक के हालात उसके कर्ज जिंदगी के बारे में अच्छी तरह वाकिफ है, जानती हैं सब कुछ, आप खुद संभाले। वैसे एक बात है हमारा, तुम्हारे भाई का कदम तो इस घर में खुशनसीब कदम था, हमारे घर में खुशियां आ गई, इसमें तो कोई शक नहीं। अंशरा और सुफियान का रिश्ता पक्का हो जाने के बाद मेरे दिल पर ये बोझ सा था, तुम्हारी बात सुनकर ये बोझ भी हल्का हो गया। हैदर, अगर ऐसा हो गया तो हम सुकून से जी भी सकेंगे और मर भी सकेंगे, वरना इस लड़की की वजह से तो हमें कब्र में भी सुकून नहीं मिलेगा। दुआ करो अल्लाह बेहतर करे। अल्लाह बेहतर करे। जेबा और आसमा ठीक कहती हैं, हारिस और उफक का कोई जोड़ नहीं। कहां वो बदनिसाज और सिद्धी लड़की और कहां हारिस। मगर मुझे भी तो अपनी ख्वाहिश पूरी करनी थी, अपने खानदान से बदला लेना था, और
अगर मैं हारिस के जोड़ का रिश्ता कर देती तो मेरा हारिस तो मेरे हाथों से चला जाता। मैं अपने हारिस को खुद से दूर नहीं करना चाहती, हारिस को खोने से बचा लिया। अम्मारा के सर पर मेरा एहसान भी रहेगा और मेरा मकसद भी पूरा हो जाएगा, मेरा बदला। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। आप ही आपने देखा हारिस भाई कितने स्मार्ट है, और एक वो उफक आपी हैं, वो तो उनके सामने बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेंगी। जी नहीं, उफक भी कुछ कम नहीं। हाँ, शर्त ये है कि जरा खुद को बना संवार के रखे। अरे बेटा, उसकी शादी हो जाएगी ना तो उसे खुद को बनना संवरना आ ही जाएगा। अम्मी आप देखिएगा, उफक जब दुल्हन बनेगी ना तो बहुत रूप आना है उस पर। जी, महीनों में जो नाती हैं। क्या तमाशा हो रहा है? अरे बेटा, ये तमाशा नहीं है, तुम्हारे बेहतर मुस्तकबिल का फैसला है। मेरी जिंदगी का फैसला करने वाली आप कौन होती हैं? तुम्हारा भला सोचने वाली तुम्हारी माँ। आप कभी मेरा भला नहीं सोच सकती, आपने हमेशा मेरे लिए बुरा ही सोचा है। उफक, इस रिश्ते में बुराई क्या है? चिराग लेकर भी ढूंढोगी ना तो ऐसा लड़का नहीं मिलेगा तुम्हें। तभी आपके भाई ने रिजेक्ट कर दिया था उसे। अरे वो तो ऐना और सुफियान एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसमें इनकार वाली कौन सी बात है? बात है, जब आपारा बेगम को पूरे शहर में कोई लड़की नहीं मिली तो उन्हें मैं नजर आ गई। उफक, ये सारी बातें सोचने की बजाय तुम अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करो कि तुम्हें ऐसा खूबसूरत जोड़ मिल रहा है, वरना तुम जितनी अक्खड़ और बदमिजाज हो ये तुम भी अच्छी तरह जानती हो और मैं भी। वो तो आपा का एहसान है हम पर, वो अपनी थी तो उन्होंने ऐसा सोच भी लिया, वरना कौन पूछता तुम्हें? मैं एहसान लेना भी नहीं चाहती। मैंने तो आपका एहसान नहीं लिया तो किसी और का क्या लूंगी? एक बात कान खोल के सुन ले, शादी से इनकार कर दे वरना मैं अपने तरीके से इनकार कर दूंगी। लो भाई, पिक्चर अभी शुरू नहीं हुई और दी एंड का बोर्ड लग गया। यार आप ही ऐसा बिहेव क्यों करती हैं? श्वेत, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं, छोटे हो ना। जरूरत है, ये मेरा भी घर है और मैं चाहती हूँ यहाँ सब खुश रहे, उफक अभी भी। लेकिन वो तो खुद ही खुश नहीं रहना चाहती। चलो, तुम्हारी टेंशन तो दूर हुई, फक अपने घर की हो जाएगी। है ना, फक अभी मान नहीं रही है यार। इंशरा ने, अम्मी ने, अब्बू ने, सबने बहुत कोशिश की समझाने की उसे, लेकिन नहीं समझ रही वो। एक बात पूछूं, किसी और में इंटरेस्टेड तो नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर ऐसा कुछ होता तो खुद को यूं तबाह नहीं करती। माँ बाबा घर आने वाले थे मुबारकबाद देने के लिए, उन्होंने बताया कि वो फंक्शन बड़े धूमधाम से करना चाह रही, इसीलिए वो रुक गए। एकदम से परेशान क्यों हो गए? मैंने पहले भी अम्मी से कहा था कि आप पहले उफक की रजामंदी जान ले, फिर खाला को हाँ कहिएगा, लेकिन नहीं सुनी अम्मी ने मेरी। देखो, अगर वो किसी और में इंटरेस्टेड नहीं है तो वो मान जाएगी, उसका जहन बन जाएगा। तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? अब वो काजी को तो मना नहीं करेगी ना। तुम जानती नहीं हो, कर सकती है वो, काजी को भी इनकार कर सकती है ना। 4 साल पहले वाली उफक और आज की उफक में जमीन आसमान का फर्क बदल गई है।
आओ यहाँ रख दो। अरे आपा कैसी हो? ये देखो आपा, ये देखो ये तुम्हारे लिए मिठाई लाई हूँ। हम इसको आइए, इसे शगन की मिठाई कहते हैं, शगन की मिठाई। अच्छा क्या हाल चाल है हमारा? मैं तुम्हारी बहुत एहसान मंद हूँ, बहुत एहसान मंद हूँ मैं तुम्हारी अम्मा। तुमने मेरे एक दफा के कहने पर मेरा रिश्ता कबूल किया है, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकता। अरे आपा एहसान तो आपने किया है मुझ पर, मेरी इतनी जिद्दी बेटी को अपनाकर, इससे बड़ा एहसान और भला क्या होगा। ऐसी बातें करती हो तुम, कोई जिद्दी विद्दी नहीं, बहुत प्यारी बच्ची है वो। हालात ने उसको इस तरह से कर दिया, घर के हालात क्या थे उसकी वजह से वो ऐसी हो गई है, तो हर बच्चा एक जैसा थोड़ी होता है कोई। ये हम वालिदैन का कसूर होता है कि हम चाहते हैं हमारे सारे बच्चे एक जैसे हो। ठीक कह रही हैं आपा, उफक के मामले में मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं करते बिल्कुल। अरे तेरी बच्ची आ गई, आ जाओ। हाँ मेरे गले लग। बस बंद करें अपने ये ड्रामे, ये चीजें उठाएं और यहाँ से चलती फिरती नजर आए मुझे। बेटा मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारा रिश्ता दिया है उफक। जानती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ कि यहाँ से चली जाए, वरना ये आपकी बहन का घर है, आप 100 बार आ सकती हैं, लेकिन मुझसे रिश्ता जोड़ने का कोई हक नहीं आपको, समझी आप? क्या हो गया? जब जब मुझे बुरा नहीं लगा, मैंने महसूस नहीं किया, तो तुम क्यों परेशान हो? ऐसी औलाद से तो आपा मैं बे औलाद ही होती तो अच्छा था। कैसी बातें कर रही हो तुम, फजूल की बातें कर रही हो। मुझे एक बात बताओ, पहले तो ऐसी नहीं थी ना ये, तुम्हारी और हैदर की जब मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उस वक्त ये कुछ अपसेट हुई है ना? उससे पहले तो घर के काम वाम सब किया करती थी, नहीं? आपा वो मेरी आजमाइश का वक्त था, कुछ ना कुछ तो खोना था, मेरी उफक मुझसे खो गई। नहीं रोना बिल्कुल नहीं है, नहीं 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 नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं रोना। लेकिन आपा मैं आपको इस तरह से जाने नहीं दूंगी। बिल्कुल ठीक है, बल्कि आज आप मेरे पास ही रहेंगी। हाँ बेटा मैं रहूंगी रहूंगी, मेरी बहन रहूंगी रहूंगी, फिक्र नहीं करो, मैं पास रहूंगी। ठीक इस शहरी अजनबी में, इस शहरी अजनबी में हाँ बेटा जी। ओहो इतना क्यों, आ रही हूँ ना, कल आ जाऊंगी। हाँ हाँ भेज दीजिएगा गाड़ी 10-11 बजे आ जाऊंगी। ओके ओके। तो हरीश साहब का फोन, कह रहे हैं कल आ जाइए जल्दी। मैंने कहा आ जाऊंगी यार, हमारा मैं तुम्हारी बहन हूँ, अपने दिल की बात मुझसे कह डालो। पापा मैंने जिस तरह से जिंदगी गुजारी वो तो आप जानती हैं, वक्त के साथ साथ शायद मेरे जख्म भर गए, लेकिन जो कुछ हमने उफक के साथ किया उसने हमें माफ नहीं किया, बल्कि वो खुद रोग बन गई हमारे लिए उम्र भर का, सारी जिंदगी का रोग। अब आप रात बहुत हो गई, सो जाइए। आखिर ऐसा क्या हुआ था
जो अम्मारा मुझसे छुपा रही है। हमेशा बात करते करते रुक जा रही। क्या उफक का वाकई किसी के साथ चक्कर था? सुना तो ये भी था कि उस वक्त उफक ने खुदकुशी भी करने की कोशिश की थी। क्यों? क्या सिर्फ पढ़ाई के लिए, जैसा कि इन्होंने मशहूर कर रखा है, या बात कुछ और थी? क्या खाला हमारे घर पे रुकने आई हैं? हाँ, अम्मी की तबीयत ठीक नहीं ना, इसलिए। खालों को कितना ख्याल है अम्मी का। और एक वो उफक है, वो चाहते कि हम सभी मर जाएं, इस घर में ना कोई खुश ना रहे। तुम्हें मैंने कितनी दफा कहा है, उफक नहीं बाजी का आकर, बड़ी इज्जत से नाम लिया करो। हम उसको रिस्पेक्ट क्यों दें? वो हमारी अम्मी अबू को रिस्पेक्ट करती है। बहुत बातें हो गई, जल्दी से दूध पियो, खत्म करो इसे। टाइम देखा है क्या हो रहा है? शुएब, घर पर खाला रुकने के लिए आई हूँ। उनके सामने बहुत एहतियात से बात करना, वरना वो क्या सोचेंगी हमारी फैमिली के बारे में। हाँ, और खास करके उफक के बारे में कोई गलत बात नहीं करना, वो इतनी बुरी नहीं जितना हम समझते हैं। से क्या फर्क पड़ता है, बुरी तो मैं बहुत पहले से हूं। दूध पी लिया तुमने? हाँ, जाओ। उफक, कुछ बातें खाला से पोशीदा हैं, तो हम क्यों उन पर जाहिर करें? तुम्हें क्या लगता है, खाला कुछ नहीं जानती? जब वो पिंडी में रहती थी, अम्मी उन्हें सब कुछ बताती थी, और अब भी अम्मी उनसे कुछ पोशीदा नहीं रखेंगी, अपने दिल के सारे हाल बयान करेंगी उनसे, इसीलिए रोका है उन्होंने। ग्लास दोगी बेटा, प्यास लग रही। जी। मैं देती हूँ खाला। सोई नहीं आज तक? मैं इसी वक्त सो के उठती हूँ, सारी रात जागती हूँ और सारा दिन सोती हूँ। क्यों, नींद नहीं आती तुम्हें? आपको इससे क्या मतलब? मुझे मतलब है, मैं तुम्हें तबाह होते देख रही हूँ बेटा, मुझे फिक्र है तुम्हारी। अच्छा, आपको मेरी फिक्र है? अच्छा लगा सुन के कि आपको मेरी फिक्र, लेकिन काफी देर नहीं कर दी आपने मुझे तबाह हुए तो? काफी देर हो गई, काफी अरसा गुजर गया इस बात का। क्यों ऐसी बातें कर रही है? खुदा ना करे, खुदा ना करे कि तुम तबाह हो। तबाह हो तुम्हारी दुश्मन बेटा। बस जात से कोई बात नहीं करनी, और ये झूठी मोहब्बत किसी और को दिखाए जा। बेटा आपको याद है वो वक्त जब अम्मारा और हैदर आपको रात रात भर के लिए घर में अकेला बंद करके चले जाते थे? आप डरती थी और मुझे पिंडी फोन किया करती थी, और मैं आपको तसल्ली और दिलासा दिया करती थी, याद है ना वो वक्त? तब मैं बेवकूफ थी, लेकिन अब मुझे आपकी कोई तसल्ली कोई दिलासा नहीं चाहिए। मुझे तुमसे मोहब्बत है, तभी मैं तुम्हें हारिस के लिए मांगने आई थी। कितना झूठ बोलती हैं आप। आप तो हारिस का रिश्ता ऐना के लिए लेकर गई थी ना, जब वहां से इनकार हो गया, उन्होंने ठुकरा दिया आपको, तब आपको मेरी मोहब्बत याद आ गई। इसमें मेरे लिए अहमियत की कौन सी बात है जो आप मेरे लिए मोहब्बत जितलाने आ गई? क्यों पीछे पड़ गई आप मेरे? मुझसे गलत तवक्कात नहीं रखिएगा। आपकी झूठी मोहब्बत का जवाब मैं मोहब्बत से नहीं दूंगी। गलत
غلط توقعات وابستہ کی ہوئی ہیں تم نے اپنے ماں باپ سے. انہیں تو نہ تمہارے لیے کبھی احساس تھا اور نہ ہوگا. کب سے میں تمہاری ماں سے تمہاری برائیاں سن رہی ہوں, پھر بھی میں حارث کے لیے سوچ رہی ہوں. اور اپنی آنکھوں سے دیکھ کے مجھے احساس ہو رہا ہے کہ غلطی تمہاری نہیں ہے, تمہارے ماں باپ کی. یہ لوگ صرف اپنی زندگی جینا جانتے ہیں, انہیں تمہارے خواہشات اور تمہارے خوابوں سے کوئی سروکار نہیں. آج کیا نہیں ہے ان کے پاس, اور تمہیں کس حال میں رکھا ہوا انہوں نے, دیکھ رہی ہو تم. یہ میرا اپنا انتخاب ہے, میں ایک پیسہ بھی اپنی ذات پر خرچ نہیں کرنا چاہتی. تو نکل کیوں نہیں جاتی یہاں سے؟ ایسے بے حس لوگوں کے بیچ میں رہ کر کیا ملے گا تمہیں؟ یہاں کچھ نہیں ملے گا تمہیں. تمہاری ماں کو میرا خیال ہے تم سے محبت نہیں ہے, اسی لیے اس نے تم کو اس حالت پر پہنچا ہے. وہ حسنین کے گھر جا سکتی ہے سفیان کے لیے, سفیان کی پڑھائی کے لیے اپنا زیور بیچ سکتی ہے, تو تمہارے مشکل وقت میں تمہارے کام کیوں نہیں آ سکتی؟ صاف بات ہے وفا, صاف بات ہے. اس نے کبھی تم کو اہمیت دی نہیں کیونکہ تم ایک لڑکی ہو. تمہیں شاید پتا نہیں ہے کہ جب تم پیدا ہوئی تھی تو ہمارا آٹھ آٹھ آنسو روئی تھی کہ کہاں سے میرے گھر میں پہلی لڑکی پیدا ہو گئی. کتنے دنوں تک اس نے تمہاری شکل نہیں دیکھی تھی, اور تمہارا رنگ و روپ, تمہاری صحت اتنی پیاری تھی تم کہ غیروں کا دل موہ لیا تم نے, تب کہیں جا کر اس کو پیار آیا تم پر. لیکن ایک خلش اس کے دل سے نہیں نکل سکی کہ اس کے گھر میں پہلی بیٹی پیدا ہوئی ہے. تو یہ سب کچھ آپ مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ جا کے اپنی بہن کا دکھ بانٹیں. پلیز چلی جائیں یہاں سے. افق, میں صرف تمہیں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ان لوگوں سے توقعات وابستہ مت رکھو. یہ لوگ تمہیں خوشیاں نہیں دے سکتے کہ تمہارے ماں باپ مجبور ہیں. ایک بات یاد رکھنا افق, اس وقت خوش نصیبی تمہارے دروازے پر دستک دے رہی, یہ موقع نہ گنواؤ, خوش نصیبی کو نہ ٹھکراؤ. ہمارا نے تو تمہارے لیے نہ کبھی پہلے جدوجہد کی تھی نہ وہ اب کرے گی, لیکن افق میں تمہیں برباد ہوتے نہیں دیکھ سکتی. ایم بی اے کرنا میرا خواب تھا, لیکن کبھی میں نے میرے اس خواب کو اہمیت ہی نہیں دی. ہمیشہ سفیان کی باتوں کی اہمیت تھی, اس کی خواہشوں کو پورا کیا, اس لیے کہ میں لڑکی ہوں. نکارا بنا دیا مجھے. بھروٹا مجھے پر تم پڑھنا چاہتی ہو نا, میں پڑھاؤں گی تمہیں. حارث جیسا لڑکا تمہارے خواہشات کو پورا کر سکتا ہے, ایک پڑھا لکھا لڑکا ہی تمہیں زندگی کا احساس دے سکتا ہے, بھرپور زندگی کا. افق, حارث جیسا لڑکا تمہارے خواہشات کو پورا کر سکتا ہے, ایک پڑھا لکھا لڑکا ہی تمہیں زندگی کا احساس دے سکتا ہے, بھرپور زندگی کا. افق, چلو ایک ڈیل کرتے, تم حارث سے شادی کر لو تاکہ میں اپنے خاندان سے جڑ جاؤں, اور تمہاری جو خواہشات ہیں وہ ہم پوری کریں گے. سچ کہہ رہی ہیں آپ؟ سچ کہہ رہی. تم اس پاگل خانے سے نکلو, خالی کنویں میں, اندھے کنویں میں اپنی آواز سنانے سے اپنی آواز بھیانک ہو جاتی ہے, حاصل کچھ نہیں ہوتا. کچھ حاصل نہیں ہوتا بیٹا. سوچو, اچھی طرح سوچو, شاید تمہیں زندگی میں پھر کبھی ایسا موقع نہ ملے کہ تم اپنا مقصد پا سکو.
شب بخیر. اس دل میں آسمان کو چھونے کی جستجو تھی, خوابوں کی ڈور تھامی اڑنے کی آرزو تھی. کہ تم کیا کر رہی ہو؟ کل صبح ہمارا پیپر ہے. ہلو, امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس لیے. جب میں تمہارے گھر آتی ہوں مجھے یہی نظر آتا ہے کہ تم گھر کے کاموں میں بزی ہو. ارے تم پڑھتی کب ہو اور مارکس کیسے آتے ہیں تمہارے؟ چیٹنگ تو نہیں کرتی ہو؟ رات کو پڑھتی, آج کل تو رات کو بھی سکون نہیں ملتا. خیر یہ بتاؤ تم نوٹس لائی ہو نا؟ ہاں لائی ہوں, لیکن ہم یہاں ہرگز نہیں پڑھیں گے. تم یہ جلدی سے کام اپنا فارغ کرو اور میرے گھر چلو. پاپا ابھی شہر میں نہیں ہے اس لیے میں بالکل اکیلی ہوں. ہم اچھی طریقے سے رات کو جاگ کے پڑھ سکتے ہیں. پیزا منگائیں گے. افق, افق. جی امی. السلام علیکم آنٹی. وعلیکم السلام. تم کب آئی؟ بس ابھی آئی ہوں. افق اگر تم فارغ ہو تو میرے ساتھ چلو. کہاں؟ وہ تمہارے ماموں کے گھر جانا ہے, ضروری کام ہے مجھے. لیکن امی کل میرا پیپر ہے. ہم کون سا ابھی جائیں گے اور رات میں واپس آئیں گے, بس آنا جانا کرنا ہے. چلو جلدی سے آ جاؤ, مجھے آواز نہ دینی پڑے. تو پہلے ہی پتا تھا تمہارے گھر والوں کو تمہارے فیوچر کی کوئی ٹینشن نہیں ہے, ورنہ ایسی نہیں ہوتا کہ پہلے کچن کے کام اور اب باہر جانا. ایسی کوئی بات نہیں, امی ابو کی وجہ سے بہت پریشان ہیں اور پھر فائنینشیل کرائسس نے تو جیسے امی کو گرا دیا ہے. ہاں لیکن تمہاری گریجویشن میں کتنا ٹائم رہ گیا ہے, کچھ ہی عرصے کے بعد تم بھی تو ان کے لیے اتنا بڑا سہارا بن جاؤ گی. میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ ایگزام ختم ہو اور رزلٹ آئے اور امی سے اس بارے میں بات کروں. خیر اب تم جاؤ اور میں کام ختم کر کے خود ہی آ جاؤں گی. اچھا لیکن فون کر لینا, ایسا نہیں کہ پھر فون نہ کرو. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے, بائے. بائے بائے. جب میں نے فون پر انکار کر دیا تھا تو تمہیں یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ساری پریشانیاں تمہاری نہیں ہیں, حیدر کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں. وہ کیسے لا تعلق ہو کر بیٹھ سکتا ہے؟ بھائی جان حیدر گھر بیچ رہے ہیں. میں نہیں چاہتی کہ میرے بچوں کے سر سے چھت چلی جائے. خدا کے واسطے بھائی جان, خدا کے واسطے کچھ سوچیں. گھر بکنا ہی چاہیے, سارا قرض میں نے اتارنے کا ذمہ نہیں لیا ہوا. اسے اس وقت خیال کیوں نہیں آیا جب اس عورت کے عشق میں اندھا ہو کر وہ سب کچھ لٹا رہا تھا, اور جب وہ بے وفائی کر کر اسے چھوڑ کر چلی گئی تو اب وہ تمہارے پاس لوٹ آیا اور تم بھی اس کی طرف داری کرنے یہاں چلی آئی. بھائی جان میں تو صرف اپنے بچوں کے بارے میں سوچ رہی ہوں, صرف اپنے بچوں کے بارے میں. بھائی جان میں تو صرف یہ چاہتی ہوں کہ آپ ہاشم خان کے سامنے حیدر کی ذمہ داری لے لیں, قرضہ ہم آہستہ آہستہ لوٹا دیں گے. ہمارا اتنا بڑا گھر ہے, پورا نہ سہی تو کم از کم آدھا گھر بیچ دو. حسنین کیسے اتنی بڑی ذمہ داری لے سکتے ہیں, کیسے اتاریں گے یہ اتنا بڑا قرض؟ امی چلیں. ہمارا رکو, دیکھو میں اب صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ ہر مہینے تمہارے اور تمہارے بچوں کے لیے کچھ پیسے بھیجوا دیا کرو جب تک تمہارا بیٹا کسی قابل نہیں ہو جاتا. اور ہاں تم حیدر کو ہرگز یہ نہ بتانا کہ میں تمہارے لیے کوئی رقم بھیجواتا ہوں, ورنہ وہ یہ رقم چھین لے گا تم سے اور کبھی اپنی اولاد کے لیے محنت نہیں کر سکے گا. میں آپ کی احسان مند رہوں گی بھائی جان. آپ نے ہمارے بارے میں سوچا, اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا.
अम्मी अम्मी क्या जरूरत थी मामू के सामने गिर के उनके सामने हाथ फैलाने की? गिरा तो तुम्हारे बाप ने दिया मुझे, किस नौबत पर ला खड़ा किए और किसी गैर से मदद नहीं मांगी, सगे भाई से मांगी। ऐसे होते हैं अम्मी बहन भाई, आपने देखा नहीं था मामू और मुमानी की आंखों में कितनी हकारत और तजलील थी? मांगने वाले की नजरें हमेशा झुकी रहती हैं बेटा, अगर वो नजरें उठा सके तो मांगे ही क्यों? बस करें हमें, मत गिराएं अपने आप को इतना, हम सब मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें नहीं, कुछ नहीं कर सकते हम सब मिलकर, ये घर नहीं बचा सकते तो और क्या करेंगे? आप देखिएगा अम्मा, सब ठीक हो जाएगा, हमारे दिन बदलने वाले हैं। दिन ही तो बदल रहे हैं, और क्या हो रहा है? मुझे तो ऐसा लगता है जैसे जिंदगी सांप सीढ़ी का खेल हो। कहां थे हम, कहां से कहां आ गए? अब मेरे में सकत नहीं रही मजीद कर्ज का बोझ लेकर चल सकूं। अरे तुम इज्जत से अपना हक मांगती ना, अपना हिस्सा मांगती, सारी जायदाद पे सांप बनकर बैठे तुम्हारा भाई। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। अरे मैंने सब कुछ अपने हाथों से बनाया था और अपने ही हाथों बर्बाद कर दिया, लेकिन किसी से उधार नहीं मांगा मैंने। हो रहा है ना उधार का भी शौक पूरा? इज्जत से मांगो, अपना हिस्सा मांगो, हक है तुम्हारा। किस हक की बात कर रहे हैं आप? लाखों का कर्ज अदा किया है भाईजान ने आपका, अभी भी कोई हिस्सा लेना बाकी रह गया है क्या? अरे चाले चल रहा है वो मेरे साथ, उसे कहो मेरे सामने आकर बैठे, मैं उसे तब बताऊं कि क्या क्या हक बनता था और क्या हक दिया है उसने। आया बड़ा हम पे एहसान जताने वाला। उफक अपनी माँ को समझा दो, ये घर मैंने अपनी कमाई से बनाया है, अगर मुझ पे बुरा वक्त है तो मैं इसे बेच रहा हूं, इसे कहो कि मदाखलत न करे।